तरह का छोटा तीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लोखन की तीर लगेगी और छोटा सा पाइप लिया हमने। पाइप को लेने के बाद हमने पहले डिजाइन तैयार कर रख ली थी, उसके आगे का छोटा पार्ट लिया और एक लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पर जो हमने लोखन का पार्ट दिया था उसको इस मशीन में डालकर एक शेप दे देंगे, जिससे कि यह छोटा सा पाइप बन जाएगा। पाइप के बाद हम उसके आगे वाला पार्ट बनाएंगे जो कि छोटा सा होगा। इसको सेट करने के बाद हमने इसका छोटा पार्ट बनाने के लिए तैयार हो गया, उसको शेप सेट कर दिया, भाई इससे बन गया। अब यह लकड़ी का काम, लास्ट काम, इसके पीछे का डंडा बनेगा। इसके पीछे का डंडा के लिए हमने इसको शेप दे दिया। अब इसको फिट करने के, ताकि अंदर इसके फिट हो सके और पूरे तीर दिख सके, इसके लिए इसको अच्छे से शेप देना होगा। शेप के बाद हम इसको मेटल को भी अच्छे से बारीकी से शेप देंगे, ताकि वो अच्छे से हो सके फायर। इसके लिए हमने इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर दी। ग्राइंडिंग के बाद हमने ये चीज़ लगाई जिससे कि ये उसके चूड़ियाँ बन सके, छोटी चूड़ियाँ, जिससे कि ये फिट हो सके अच्छे से किसी में भी। फिट करने के बाद हमने ये बड़ा सा लोखन का टुकड़ा लिया और उसमें फिट किया। इसके बाद क्या कि हमने इसको छोटा करने का कहा, क्योंकि छोटा होने के बाद इस टुकड़ा इसके तीर के आगे फिट हो पाएगा अच्छे से। इसके हमने एक होल कर दिया। होल के बाद इसमें से हमने छोटा सा होल निकालने के लिए इसको ऐसा बना दिया। ऐसे बनाने के बाद इसको इसे फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसको घुमाया। घुमाने से क्या होगा कि इसको छोटी छोटी चूड़ियाँ बन जाएगी। चूड़ियाँ बनने के बाद जिस यहाँ पर ये रेडी हो गया है, इसके बाद इसको इधर से फिट करेंगे।